दोस्तों, कभी कभी हमारे लैपटॉप और पीसी में दिखने वाले आइकॉन बदल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसकी वजह क्या है, और हम फिर परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम इन आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम अपने लैपटॉप और फिर पीसी में दिखने वाले इन आइकॉन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं अपने हिसाब से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल देव, आप देख रहे हो न्यू टेक्निकल ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाल कलर का बटन आ रहा है, और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के होम स्क्रीन पर इस पीसी या फिर माई कंप्यूटर के आइकॉन को करना है क्लिक। अगर आपके होम स्क्रीन पर ये आइकॉन नहीं आ रहा है तो मैंने इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के होम स्क्रीन पर इस पीसी या फिर माई कंप्यूटर का आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर कर लेंगे एक डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने पीसी में आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे स्क्रीन पर हमारे आइकॉन जो है फोल्डर और डिवाइस और ड्राइवर्स के कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आइकॉन्स अपने आप बदल जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन आइकॉन्स को अपने हिसाब से चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाकर जो व्यू का ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें करना होगा क्लिक। फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे हम ऑप्शंस को टच करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आइकॉन्स अपने हिसाब से चेंज हो जा रहे हैं। जैसे अभी मैं एक्स्ट्रा लार्ज पर करूँ तो ये देख सकते हैं आप, मेरे यहाँ पर आइकॉन चेंज हो गए। उसी प्रकार से हम स्मॉल आइकॉन्स पर अगर क्लिक करें तो देख सकते हैं हमारे आइकॉन यहाँ पर चेंज हो गए। टाइप पर क्लिक करने पर हमारे आइकॉन कुछ इस तरह शो होंगे। उसके बाद कंटेंट पर हम जब शो करते हैं तो हमारे आइकॉन्स यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। लिस्ट पर क्लिक करने पर फ्रेंड्स, हमारे आइकॉन कुछ इस तरह से बदल जाते हैं। उसके बाद लार्ज आइकॉन्स पर अगर हम दोबारा क्लिक कर लें तो देख सकते हैं कि हमारे आइकॉन्स कुछ इस तरह शो होंगे। उसके बाद मीडियम आइकॉन्स पर कुछ इस तरह से हमारे आइकॉन शो होंगे, और डिटेल्स पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह से हमारे आइकॉन शो होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यूजफुल टेक्निकल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।